रही है सच्ची, बर्फ पड़ रही है, बर्फ बर्फ। तो गन्ने बना मोहब्बत में भी अन्ना ये इतना सा क्या करना है यार, फिर ठेमो सारा डब्बा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे एक नए व्लॉग में, जम्मू कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों में। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, बाकी सब लोग खाना खा रहे हैं, तो चलिए हम लोग भी खाना खाते हैं। और आजकल ना हमारे घर जल्दी खाना बन रहा है, पहले 11-12 बजे बनता था, आजकल 9 बजे ही बन जा रहा है। बाकी खाने में पता नहीं मम्मा ने क्या बनाया, क्या हम और बस साग चावल और फुल्का है गाइस। तो चलिए मस्त वाला खाना खाते हैं, तब तक मेरे को व्लॉग भी अपलोड करना है, तो मैं व्लॉग अपलोडिंग पे लगा लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं व्लॉगिंग, ठीक है। और आज का मौसम देखो कैसा हो रहा है, एकदम पूरे बादल हो रहे हैं चारों तरफ, लेकिन कल से बारिश नहीं हुई है। मैंने सोचा था रात को बारिश हो जाएगी, लेकिन जो वो हवा नहीं चली थी उसकी वजह से सारे बादल उड़ गए। दे यार तेरी ले लें, अरे दे दो यार। गई रोज दादी से ना ऐसे फोन मांगना पड़ता है मेरे को, क्योंकि दादी के फोन में ना 1.5 GB मिलती है, तो बाकी तो मेरे हो जाते हैं 3 GB तो मेरे को मिलती है, बाकी दादी से 1 GB लेता हूँ मैं। दे दो यार जल्दी, रोटी डाल दो, लस्सी लस्सी भी आ गई आज, फिर ले लेना जल्दी ले लेना, इधर बगैर नहीं गुजारा होता, नहीं होता है। तो चलो जल्दी जल्दी से व्लॉग अपलोड कर लेते हैं। तो फाइनली हो गया मेरा खाना अच्छे से, बाकी व्लॉग भी मैक्सिमम हो ही गया अपलोड, थोड़ा सा बचा है, अपलोड तो हो ही गया है, उसका थंबनेल मेरे को एडिट करना है, उसके बाद थोड़ा उसमें कुछ टाइटल लिखना है, बाकी मैक्सिमम हो ही गया है। और अभी मेरे को करना है काम, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे को क्या काम करना है। ये जो मेरी चादर है ना, ये सब मेरे को धोनी है आज, जो पिलो के वो है कबर कुबर वो भी धोने है, और ये वाला टावल भी धोना है, तो ये काम है आज मेरा। काफी ज्यादा इसमें देर लगने वाली है और काफी ज्यादा ठंड भी लगने वाली है, तो चलिए ये काम करते हैं, उसके बाद फिर देखते क्या करना है। ये भी उठाने पड़ेंगे, ये भी शायद धो दूंगा या नहीं धो दूं, दादी को पूछते हैं। चादर धो दूं, चादर नहीं वो सॉरी कंबल धो दूं, कंबल तो सूख गया ना, तो ये तो हाँ। कल परसों तो सूख जाएगा, चल इसे आगे आगे आ रहा है, अंजलि भी धुलाएगी मेरे साथ, धुलाएगी ना, धुलाएगी हैं हाँ। पक्का ये गाइस अंजलि भी मान गई, निर्मा दो जल्दी जग जग गया, क्योंकि गाइस सर्फ से धोने में ना बहुत अच्छा लगता है। तो और चादर होगी आपके पास, कोई दे देना यार, गरीब की मदद कर देना दादी, गरीब की मदद कर देना, वो डालो तो मेरे को सब धोने सारा डब्बा। तो चलो अब चलते हैं, इसको धो के आते हैं जल्दी जल्दी। और अंजलि बकरियां लेके भी चली गई है, और दादी जी आज पशुओं के साथ गई है, वो ऊपर लगाए आपको दिख रहे होंगे, क्या गर्म पानी की है, तब तो ठीक ही बात बन गई, अगर गर्म पानी होगा ना अब हमें आसानी हो जाएगी यार धोने में, क्योंकि गर्म पानी है। पहले इसको छोड़ के आता हूँ, मम्मा पता नहीं कहाँ चली गई यार आज, दराटी लेके ऊपर गई है, मेरे को लग रहा है जंगल से घास लाने गई है, क्योंकि जंगलों में भी घास होता है ना, तो गई होगी मम्मा वो लाने। और आज मैं आप सभी को ना अपने कपड़े धोने का स्टाइल बताऊंगा यार, मेरा ना स्टाइल सबसे अलग है। सबसे पहले डालते इसमें पानी यार, और ये काफी ज्यादा गर्म है, इसको अच्छे से मिक्स करता हूँ, बहुत ज्यादा गर्म है यार। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना, आप कपड़े धोते हो ये गर्म है या नहीं धोते हो, औरतें तो धोती होंगी लेकिन कोई लड़का अगर धोता होगा ना तो कमेंट करके बताना, अगर ये वीडियो आप देख रहे होंगे। ऐसे मम्मा भी धो देती है लेकिन यार मैं खुद भी धो देता हूँ, ये दिक्कत हो गई यार, मैंने ना इतना ज्यादा पानी ले लिया है, अब अगर इसको डालूंगा ना तो ये सीधा उधर जाएगी नीचे, इसको ना थोड़ी थोड़ी करके वो करता हूँ मैं। ये गाइस मेरा कपड़ा धोने का स्टाइल देखो यार, जितना उछलो उतना साफ कपड़े। तो ये लो जी धो दिया मैंने यार, लेकिन ना ये सारे भड़के बाकी कपड़े पानी से पूरे देखो। और ये वाला मैंने कवर भी धोया था, इसको भी सुखाने डालूंगा, लेकिन इसको मैं इधर डालूंगा कहीं ऊपर, जहाँ अपने रूम में रख लेता हूँ, उधर ही सूख जाएगा यार। बाकी आप कर लेते हैं, हम मेरे को थंबनेल एडिट करना है तो वो कर लेता हूँ मैं जल्दी जल्दी से। ओए ओए वे खाना मत उसको, चलिए अब गर्मा गर्म चाय पीते हैं, मम्मा ने चाय बना दी यार। दादी वो देखो पशु लेके भी आ गई है, लेकिन अंजलि अभी तक बकरियां लेके नहीं आई है, अंजलि बकरियां ना ऊपर लेके गई है, वो किसी ने आग जला रखी है, मेरे को लग रहा है कि उधर अंजलि बैठी हुई। और इसको देखो ये छोटी सी, ये घूमती रहती, इसका पूरे दिन का यही काम है, पता क्या खाती है मैं आपको बताता हूँ, वो नीचे हमने जो जो बोए है ना, जो वो बो रखे तो उनको खाते है मजे से। तो गाइस अभी आया था मैं अपने घर के पीछे, और इधर से मौसम देखो आप कितना तगड़ा दिख रहा है यार, तो कुछ ना सिनेमैटिक देख लो आप इस मौसम का।
गाइस फाइनली रात के 9 बज गए और मैं बिस्तर में सो गया था और इतनी ज्यादा जोर से बारिश हो रही है ना बाहर और मम्मा बोल रही बर्फ पड़ रही है। तो देखते हैं, ये देखो गाइस बर्फ पड़ रही है, सच्ची तगड़ी बर्फ पड़ रही है गाइस यार। दादी को बोलता हूँ बर्फ पड़ रही है, बर्फ 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 पड़ रही, बर्फ बर्फ। हाँ अगर यही बर्फ दिन में पड़ती ना बहुत अच्छी दिखती यार, फिर मजा आता। तो चलिए अब सोते हैं, काफी ज्यादा ठंड है यार। बाय बाय, गुड नाइट।